सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएम एडिट। तो गाइज, आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको स्नैपसीड एप्लीकेशन की मदद से कुछ इस तरीके की बैकग्राउंड चेंज एंड बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट के ऊपर फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो गाइज, आज का वीडियो आप लोगों को कंप्लीट एंड तक देखना होगा, तभी आप लोग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। एंड गाइज, वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया तो भाई वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी यार जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो गाइज, चले फिर जल्दी से इस कमाल की वीडियो के यहाँ पे स्टार्ट करते। सो गाइज, देख सकते हो मैं स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर ओपन हो चुका हूँ। तो गाइज, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो प्लस आइकन दिख रहा है ना, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, तो इसके अंदर मैं सिंपल से क्लिक करके मैं गैलरी से मेरे मॉडल के फोटो को मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है गाइज। सो गाइज, देख सकते हो मैं यहाँ पे फोटो को ऐड कर लिया हूँ। तो गाइज, फोटो ऐड करने के बाद सबसे पहले आपको पे क्या करना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो पेन आइकन आप लोगों को दिख रहा है, तो इसके अंदर सिंपल से मैं यहाँ पे टैप करूंगा। टैप करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है ट्यून इमेज के अंदर। ठीक है, तो गाइज, यहाँ पे मैं ट्यून इमेज के अंदर क्लिक करके सबसे पहले यहाँ पे क्या करूंगा, इसको जो सबसे पहले ब्राइटनेस है इसको बढ़ाऊंगा। एंड आपको क्या करना है, इसको कॉन्ट्रास्ट को भी हल्का सा करके आपको यहाँ पे बढ़ा देना है लगभग यहाँ पे इतना तक। इतना हो जाने के बाद सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा लूंगा लगभग यहाँ पे मैं इतना तक, जैसे कि देख सकते हो। तो यहाँ पे इतना हो जाने के बाद इसका जो एम्बियंस है इसको भी थोड़ा सा बढ़ाऊंगा लगभग यहाँ पे इतना 30। एंड हाईलाइट को मैं क्या करूंगा, इसका हल्का हाईलाइट जो वगैरह है ना इसको हल्का सा करके बढ़ाऊंगा। एंड शेडो को भी कुछ इस तरीके से हल्का सा बढ़ाऊंगा। ठीक है, व्हाइट को भी हल्का सा मतलब कुछ इस तरीके से बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद डन कर लेना है। तो डन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो अगेन आपको यहाँ पे पेन आइकन पे आपको सिंपल से क्लिक कर लेना है, जैसे गाइस आप लोग देख सकते हो। देन उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे सिलेक्टिव वाला टूल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्टिव वाला टूल के अंदर क्लिक करूंगा। एंड सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि देखो फेस के अंदर टैप करके मैं कुछ इस तरीके दोनों हाथों से पकड़ के जिस तरीके से ब्राइटनेस वगैरह को बढ़ाऊंगा। जो जो पार्ट मेरे यहाँ पे ब्लैक है जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो उसके अंदर ही मैं कुछ इस तरीके से मैं टैप करके प्लस आइकन पे यहाँ पे ब्राइटनेस को कुछ इस तरीके से पकड़ के बढ़ाऊंगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो एकदम अच्छे से मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से ब्राइटनेस वगैरह को एकदम अच्छे से बढ़ा लूंगा, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो गाइस यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैं बहुत ही अच्छे से फेस को ब्राइट कर लिया हूँ। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, तो अगेन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो पेन आइकन है इसके अंदर सिंपल से गाइस यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे पेन आइकन के अंदर। तो गाइस यहाँ पे पेन आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे डबल एक्सपोजर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, तो डबल एक्सपोजर के अंदर यहाँ पे मैं टैप करूँगा। टैप करने के बाद यहाँ पे गैलरी के ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है, तो गैलरी से मैं बैकग्राउंड को ऐड करता हूँ। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो मैं बैकग्राउंड को मैं ऐड कर लिया। तो बैकग्राउंड ऐड करने के बाद इसका ओपासिटी को फुल्ली हाई मैं यहाँ पे कर लूँगा। तो करने के बाद देख सकते हो बैकग्राउंड बहुत अच्छे से आ चुका है। तो यहाँ पर डन करूँगा, तो डन करने के बाद ऊपर जो एरो आप लोग को दिख रहा है, तो इसके अंदर यहाँ पे सिंपल से टैप करके व्यू एडिट के अंदर क्लिक करके प्लस आइकन पे क्लिक करके ब्रश के अंदर जाऊँगा। एंड ब्रश के अंदर जाने के बाद इसका ब्रश के अमाउंट को 100 रख के मैं क्या करूँगा, कुछ इस तरीके से जूम करके यहाँ पे एकदम अच्छे से मतलब टाइम देके आपको यहाँ पे बैकग्राउंड को इरेज कर लेना है। एकदम टाइम देके तभी जो बहुत अच्छे से मतलब प्रोफेशनल तरीके से होगा बैकग्राउंड इरेज। ठीक है, तो एकदम अच्छे से मैं टाइम देके मैं कर लेता हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहो। ठीक है गाइस, सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैं एकदम अच्छे से बैकग्राउंड को इरेज कर लिया हूँ। तो यहाँ पे डन करूंगा, तो डन करने के बाद आपको यहाँ पे अगेन डन कर लेना है। ठीक है, तो डन करने के बाद देख सकते हो इतना हो जाएगा। देन आपको अगेन यहाँ पे पेन आइकन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद जाऊंगा यहाँ पे जैसे ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो फिल्टर है इसके अंदर यहाँ पे टैप करूंगा। एंड टैप करने के बाद इसका जो व्हाइट बैलेंस है इसको थोड़ा सा माइनस करूंगा। जो यहाँ पे टीन है टीन को हल्का सा बढ़ा के लगभग इतना रखूंगा। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद डन कर लेना है। तो डन करने के बाद इस बार आपको क्या करना है बता देते हो, यहाँ पे सिंपल से पेन आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे जाऊंगा सिलेक्टिव वाला टूल के अंदर। एंड इसका जो सैचुएशन वगैरह इसको बढ़ाऊंगा लगभग इतना। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो जो कपड़े का मतलब कलर है उसको मुझे और थोड़ा सा मतलब इनहेंस करना होगा। तो यहाँ पे सिंपल से डन करूंगा। एंड व्यू एडिट के अंदर क्लिक करके मैं ब्रश के अंदर यहाँ पे सिंपल से जाके यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो मेरे मॉडल का जो कपड़ा है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे चमक वगैरह डालूंगा। तो इसके लिए मैं कुछ इस तरीके से मतलब पेंट वगैरह करूंगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छे से मतलब कपड़े के अंदर चमक वगैरह आ रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो पूरा मतलब ड्रेस के अंदर मैं कर लेता हूँ जल्दी से। आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहो। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही अच्छे से कपड़े के अंदर चमक कर आ चुका है। तो यहाँ पर डन करूंगा, तो डन करने के बाद अगेन डन करने लेना। ठीक है, तो डन करने के बाद आपको क्या करना है, पेन आइकन के अंदर क्लिक करके अगेन यहाँ पे डबल एक्सपोजर के अंदर यहाँ पे मैं टैप करूंगा। ठीक है, तो डबल एक्सपोजर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे गैलरी से मैं एक और पीएनजी को मतलब ऐड करता हूँ। ठीक है गाइस, सो गाइस देख सकते हो मैं ये वाला एक पीएनजी मतलब बटरफ्लाई का जो पीएनजी इसको मैं ऐड कर लिया। तो ऐड करने के बाद इसका ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे रखूंगा मैं, इसको मैं ऐड करूंगा। ठीक है, तो ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से बटरफ्लेम मतलब बटरफ्लाई का जो एक पीएनजी जैसे आप लोग देख सकते हो, तो इसको आपको क्या करना है, बटरफ्लाई का पीएनजी जिस तरीके से आपको यहाँ पे सेट वगैरह कर लेना है जैसे ही गाइस मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो एकदम अच्छे से सेट करूंगा। देन आपको क्या करना है, डन पर टैप। तो डन करने के बाद आपको क्या करना है, अगेन यहाँ पे जो पेन आइकन है इसके अंदर आपको यहाँ पे टैप कर लेना है। एंड अगेन आपको डबल एक्सपोजर के अंदर जाना होगा। ठीक है, तो डबल एक्सपोजर के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं एक और मतलब ऐड पड़ोस एक और पीएनजी को ऐड करता हूँ।
सो गाइस देख सकते हो मैं ये वाला एक पिंच को ऐड कर लिया। तो इसका भी सिंपल से क्या करना है, इसका ब्लेंडिंग मोड जो है ना सिंपल से यहाँ पे क्या करूंगा, इसे ब्लेंड के अंदर यहाँ पे टैप करूंगा। टैप करने का इसका ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे लाइटन कर दूंगा, ठीक है। तो लाइटन करने का आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से आपको बड़ा करके बैकग्राउंड के अंदर एकदम अच्छे से सेट कर लेना है। देन गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल से गाइस यहाँ पे डन पर टैप कर लूंगा। तो गाइस यहाँ पे डन करने के बाद इतना सारा कुछ हमारा हो जाएगा। तो लास्ट में आपको क्या करना है, एक और बार आपको यहाँ पे जो पिन आइकन इसके अंदर आपको टैप करना है। एंड टैप करने के बाद यहाँ पे जो लैम्प वाला आपको सिंबल दिख रहा है फिल्टर, तो इसके अंदर टैप करूंगा। टैप करने के बाद ये वाला जो फिल्टर है इसको मैं यूज़ करूंगा। तो यूज़ करने के लिए इसका जो अमाउंट वगैरह ना इसको मैं कम करके लगभग इसको रखूंगा लगभग 4 या फिर 3 के आसपास। एंड वीडीटी अमाउंट को मैं माइनस रख के लगभग या फिर 5 या फिर 6 के आसपास रखूंगा, ठीक है। एंड इसका जो सैचुएशन वगैरह है इसको हल्का सा करके बढ़ाऊंगा लगभग या फिर 15 या फिर 10 के आसपास रखूंगा। तो इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर डन पर टैप कर लेना है, ठीक है। तो डन करने के बाद गाइस देख सकते हो हमारा जो फोटो एकदम बन के रेडी हो चुका है भाई। फोटो देखने में कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में गाइस इतना ही था। तो वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया तो भाई वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी यार जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखना।